वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम सब भी ठीक हैं, खुदा का शुक्र है। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च। इस वक्त दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और हमें चर्च जाना है शाम को 6 बजे। आज संडे है और आज बहुत स्पेशल संडे है। कहाँ संडे है, क्योंकि आज है पाम संडे, नेक्स्ट संडे ईस्टर है। सो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, पिछले साल बताया था कि ईस्टर से जो पहले वाला संडे होता है उसको पाम संडे कहते हैं और ये बहुत स्पेशल संडे होता है क्रिश्चियंस के लिए। तो बस आज बड़ी इबादत है और अभी हम लोग चर्च के लिए रेडी हो रहे हैं। 1:30 बज रहे हैं लेकिन मैं अभी से ही रेडी होना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी मैं नहा धो के आई हूँ, बाल मेरे गीले हैं, मैंने अपने बाल ड्राई करने हैं, उसके बाद स्ट्रेट करने हैं, नेल पॉलिश लगानी है। और ये देखें, एंड टाइम पे मेरा नेल जो है वो टूट गया है। ऐसे ही होता है जब कोई ओकेजन होता है, कोई फेस्टिवल होता है तो नेल्स टूट जाते हैं। उससे पहले जो है ये इतने महीने से सेट था, लेकिन जैसे ही अभी ईस्टर आने वाला है तो मेरा नेल टूट गया है। ये लड़कियों की प्रॉब्लम है, सारी लड़कियों के साथ ही होता ही है। तो खैर, बस अभी मैं बाल स्ट्रेट करने लगी हूँ और मैं अभी पी रही हूँ चाय, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। केल्विन गए हुए हैं नहाने, मैं पहले नहा के आ गई हूँ, अभी केल्विन नहाने के लिए गए हैं, फिर हम रेडी शेडी होंगे। तो बस अभी मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ और फिर यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो मैं पहन रही हूँ ये ग्रीन ड्रेस। मैं एवरी पाम संडे ग्रीन कलर ही पहनती हूँ एवरी ईयर। और ये है ट्राउज़र, ये है इसकी शर्ट। अच्छा, ये वही ड्रेस है जो जैनी ने मुझे वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था। सो ये ग्रीन कलर है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको पाम संडे पर पहन लूँ। ये है इसका दुपट्टा और केल्विन पहन रहे हैं ये पैंट और ये शर्ट। सो एज़ यू ऑल नो, मैं और केल्विन हमेशा कलर मैचिंग करते हैं, तो बस हम लोग ये पहन रहे हैं। अभी मुझे अपने कपड़े भी आयन करने हैं, केल्विन के भी आयन करने हैं, तो मैं आयन करती हूँ, उसके बाद स्ट्रेट करती हूँ बाल और फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, वी आर रेडी। बस हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी 5:30 बज रहे हैं और बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है। 6 बजे का चर्च है तो 6 बजे से पहले पहुंचना है, क्योंकि जलूस में पहुंचना है। मुझे पाम संडे पे ना सिर्फ जलूस की एक्साइटमेंट रहती है, वो नहीं निकलना चाहिए जलूस। तो बस अभी हम जा रहे हैं। कितना टाइम में पहुंचेंगे हम यहाँ से? 20-25 मिनट लगेंगे। 20-25 मिनट, चलो वहीं पर चलते हैं। और हम दोनों ने मैचिंग कर ली है, रेडी रेडी हो गए हम। और आप लोग बताइएगा हम लोग कैसे लग रहे हैं, अभी फुल लुक भी आपको दिखाती हूँ। चलो चलते हैं। ये मिस्टर केल्विन भी रेडी हैं और बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू। अब मेरा भी फुल लुक दिखाओ। कल आप भी बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही। थैंक यू। तो हम लोग पहुंच गए हैं चर्च और आज हम लोग आए हैं सेंट पैट्स चर्च। आज हम डिग्रोड चर्च नहीं गए थे क्योंकि डिग्रोड काफ़ी दूर है और मुझे एनी हाउ प्रोसेशन अटेंड करना था। मैंने सोचा डिग्रोड जाएंगे, ये ना हो कि मेरा प्रोसेशन ही मिस हो जाए, इसलिए हम सेंट पैट्स ही आ गए थे। और शुक्र खुदा का हम टाइम पर पहुँच गए थे। जब हम लोग आए तो पाम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तो मुझे और केल्विन को भी मिला। उसके बाद ये देखें, प्रोसेशन भी स्टार्ट हो गया, तो हमने भी प्रोसेशन ज्वाइन किया। इसके बाद फिर हम लोग चर्च के अंदर चले गए थे। अच्छा, चर्च के अंदर इबादत में कभी भी शूट नहीं करती, सो इबादत के बाद जब चर्च खाली हो जाएगा फिर मैं आपको अंदर से चर्च दिखाऊँगी कि कितना ब्यूटीफुली विद पाम्स डेकोरेट किया है। सारे ही चर्चेस को इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट करते हैं पाम संडे पे। सो आफ्टर सर्विस मैं आपको अंदर से चर्च दिखाऊंगी। गाइज, इबादत हो गई है और चर्च बिल्कुल खाली हो गया है। मैंने सोचा मैं आपको डेकोरेशन दिखा दूं। ये है सेंट पैट्स चर्च कराची। और ये रहे केल्विन। हाँ चले, चलो बस अंधेरा भी हो गया ना बाहर, चलो चलो। अंधेरा हो गया, क्या टाइम हो रहा है? 7:30, नहीं 8 बज गए। सो बस इबादत हो गई है और बहुत अच्छी इबादत रही है और हम पहुंच गए थे टाइम से। ये देखें, पिंपल भी निकल आया। तो बस अभी हम लोग घर चलते हैं, चलें। और मैं आपको चर्च मैंने अंदर से दिखाया, बाहर से भी मैं आपको दिखाती हूँ सेंट पैट्स। चलें जी, चर्च खाली हो गया, अब हम भी चलें घर। चलें, चलो फिर।
हम घर आ गए और मेरे टॉप्स उतर गए थे रास्ते में, तो मैंने उतार के ना अपने बैग में ही रख लिए। मैंने कहा इससे पहले गिर जाएं। 8 बज रहे, पूरे 8 बजे हम हैं अपने घर पे और अच्छी इबादत हो गई। और ये अभी तक लगा हुआ है, इसको कब उतारना है? इसको भी उतार लेंगे, मसला नहीं। ईस्टर आ गया है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी तक ना यहीं पे होगी। बहुत थक गए, चलो पानी शानी पिए कुछ। जी गाइस, तो हमने कपड़े चेंज कर लिए और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि 12 बज रहे हैं, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई। और नींद भी बहुत आ रही है, सुबह स्कूल भी जाना है, स्कूल की भी टेंशन है, जल्दी सो जाए ताकि टाइम से आँख खुले। तो बस अभी मैं पी रही हूँ चाय और सोचा इस व्लॉग को एक कप चाय के साथ एंड कर दूँ। खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, थकावट की वजह से ना भूख नहीं लग रही, तो बस चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर मेकअप रिमूव करूँगी। सोचा पहले व्लॉग एंड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मेकअप रिमूव करूँगी। तो मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आपने मेरा छोटा सा व्लॉग एंजॉय किया होगा। बस छोटा सा ही व्लॉग बनाया था और बस ईस्टर में भी 1 वीक रह गया है, नेक्स्ट संडे ईस्टर है। ईस्टर व्लॉग तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही, लेकिन उससे पहले आ रहा है गुड फ्राइडे, तो गुड फ्राइडे का व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गुड फ्राइडे मींस आखिरी रोज़ा, तो उस दिन आखिरी रोज़ा है, उसके बाद फिर ईस्टर संडे है। सो ईस्टर के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बस 1 वीक रह गया ईस्टर के लिए। सो गाइज, ये छोटा सा व्लॉग था आपके साथ मैंने शेयर किया, उम्मीद है आपने इस छोटे से व्लॉग को एंजॉय किया होगा। सो अगर आपने एंजॉय किया है देन प्लीज़ टू लाइक, कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलूंगी बहुत जल्द आपसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय।